थाने च कुटमार हुई, पुलिस ओनू अनदेखा नहीं कर सकती। अज तक क्रॉस पर्चा नहीं दर्ज होया जिन्होंने सानू कुटिया सी। वो लेडी जिहड़ी मुदई बनी है, बनी हुई है, वो वाला तो पकड़ पकड़ के ऋषि नू कुट रही सी, हस रही सी। आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस दे विच बीते दिने झड़प हुई सी, जिस तो बाद आम आदमी पार्टी दे वर्करां दे खिलाफ पुलिस प्रशासन अते कांग्रेस दे नाल मिल के मामला दर्ज करन दे आरोप आम आदमी पार्टी वल्लों लगाए जा रहे सी, जिस दे तहत अमृतसर दे पुलिस कमिश्नर दे दफ्तर दे बाहर आम आदमी पार्टी दे वर्करां वल्लों प्रोटेस्ट किया गया। उत्थे उन्हां दी मांग है कि आम आदमी पार्टी दे खिलाफ झूठा परचा दर्ज किया गया है, उस नूं रद्द किया जावे। इस बारे बोलदिआं होर उन्होंने की कहा है, ऐ तुसीं आप सुन लो। अमृतसर तो मुकेश मेहरा की रिपोर्ट के नाल दी टीवी एन राय। देखो असी अल्टीमेटम दिता सी 4 दिनों का सरकार नू भी ते पुलिस नू भी कि साढ़े जो झूठा परचा दर्ज होया, साढ़े जिहड़े 4 बंदिया ते अते 2 अननोन परसन रखे सीगे, जिहदे विचों एक डाबर नू गिरफ्तार किया सी इन्होंने। अज 10 दिन हो गए उन्हूं गिरफ्तार होया, तो पहले उन्होंने इलीगल कस्टडी भी रखा गया। 13 तरीक का वो शख्स नू पुलिस ने अपनी कस्टडी रखे, उसके बाद जेल च भेज दिता। गल हैगी है कि सारा वाकया जिहड़ा है वो CCTV कैमरे से रिकॉर्डिंग हुई है, उहदे विच साडे बंदिया ते कोई अफेंस नहीं बनता। जबकि 4 बंदे, 4 कांग्रेस के गुंडे जिन्हों सोनू सीगा, राहुल सीगा, बबलू सीगा, रिंपा सीगा, ते खास तौर पर सारी कॉन्सपरेसी जिन्हें बनाई, जिन्हें SC ST एक्ट नू मिसयूज़ किया, वो कौंसलर खन्ना ते इलाके का MLA खन्ने का बेटा भी थाने जाके हुलड़बाजी करके गया। उत्थे 2-3 कौंसलर होर सीगे, और सानू बाजार दे विच ते जिहड़े साडे वलंटियर्स नू कुटमार होई होई, जिहड़ी थाने च कुटमार होई, पुलिस उहनू अनदेखा नहीं कर सकदी। असी कमिश्नर साहब नू इसे कारण 4 दिन दी कहा सी कि साडे कोल वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग देखो, शहरे बाजार सानू कुटिया जा रहा, साडे वलंटियर्स नू मारिया जा रहा है। 4 बंदिया ते अज तक क्रॉस पर्चा नहीं दर्ज होया जिन्होंने सानू कुटिया सी। वो लेडी जिहड़ी मुदई बनी है, बनी हुई है, वो वाला तो पकड़ पकड़ के ऋषि नू कुट रही सी, तो हस रही सी। जे किसी नू जात पात का किसी ने कोई कहा हुंदा तो कभी उहदे मुँह चों हासा नहीं निकलता। और वो मूवी ते भी पुलिस यकीन नहीं कर रही, उन्हें एविडेंस के तौर पर नहीं लै रही। और सब तो बेस्ट एविडेंस जिहड़ा थाने दे विच CCTV कैमरे लगे ने, थाने दे विच जिहड़ी गुंडागर्दी हुलड़बाजी कांग्रेस दे वर्कर्स ने की है, कि पुलिस साइलेंट क्यों है? पुलिस उन्होंने परचा क्यों नहीं दर्ज? उन्होंने तो पुलिस के मुलाजमान को भी मार पैन दी गाला कड़ियां, धमकियां दित्तियां ने। बिल्कुल जी, बिल्कुल सानू तो इस तरह ही लग रहा, पुलिस तो एक रखैल की तरह काम कर रही है जी, सरकार सरकैल की रखैल बन के काम कर रही है। साढ़े पिछले कमिश्नर साहब को असी 4 बारी हो गए, साढ़े 4 वलंटियर से झूठे परचे दर्ज हुए थे। असी तो शुक्र किया कि कमिश्नर साहब बदल गए, सानू तो कमिश्नर साहब लगते ही नहीं, सानू लगते जी सोनी के कमिश्नर साहब ने, वो अमृतसर के कमिश्नर साहब नहीं, वो सिर्फ सोनी MLA दे या कैबिनेट मिनिस्टर दे। देखो जी, साढ़े जे साढ़े बंदियां दे उत्तों परचा खारिज नहीं करते, तो जेरे को अक्यूज है, जेरे के काउंटर जिन्होंने सानू मार्गटाइज की साढ़े वलंटियर उन्होंने, तो अगर क्रॉस परचा दर्ज नहीं होएगा तो असी इतों नहीं उठाँगे जी। असी रैगूलर रोज़ आवेंगे, रोज़ इतने बैठा, रैगूलर बैठा जिनी देर क्रॉस परचा नहीं दर्ज करते, क्योंकि सारी मूवी बनी है, वीडियो फिल्म बन गई है। वीडियो फिल्म से शहरे बाजार सानू मार रहे हैं, तो परचा दर्ज करने कमिश्नर साहब हूँ कहदी दे रही है? 4 दिनों का अल्टीमेटम दिता, 7 दिन बाद आए कि रखड़ी का त्यौहार खराब ना हो, और ऑफिसर भी नवे आए थे। असी उन्होंने बड़ी बड़ी तारीफ सुनी है कि कमिश्नर साहब जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते, दोनों मंगा जी साड़ी, साडा परचा तो असी तो जात पात का किसी को कह नहीं, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, किसी को जात को लैके पात को कह गया, एक शब्द नहीं वरत्या गया। जिहड़े मेन मुजरिम है जिन्होंने सानू बाजार च पब्लिक प्लेस से भी कुटिया, और जो वो कुट रहे उदो पुलिस के मुलाजम ही खड़े थे, सारी वीडियो बनी हुई है, उसके पुलिस के मुलाजम मौजूद से, और जो थाने के कुटमा रही उदो भी पुलिस जे मुलाजम आई विटनेस है। कमिश्नर साहब तो सानू भी नहीं पूछना चाहिए, जनता को रस्ता होंगे, जनता पुलिस पुलिस को जानती है, पुलिस अगर साढ़े दरवाजे बंद कर लेंगे, इंसाफ नहीं देंगे, तो फिर अदालतें बनी है, लास्ट रस्ता अदालतें होंगी, मगर पुलिस परचा क्यों नहीं दर्ज करेगी? जो मूवी बनी है, पिक्चर बन गई, सारे शहर ने देख लिया कि मारकुटाई हुई आम आदमी पार्टी के वलंटियर्स के नाल, साढ़े 4 वलंटियर्स जी, जो ऋषि ने तो बहुत ज़्यादा कुटमार हुई, वरुण राणे ने थाने के कुटमार हुई, इस तरह साढ़े 3 जे दीक्षित तवन परचा दर्ज कर दिया गया, ऋषि से कर दिया गया, महाजन से कर दिया गया, वो परचे प्लीज़ इमीजिएटली कैंसल किया। देखो इस तरह है, 13 तारीख का वाक्य हो गया और अज 24 तारीख हो गई, 11 दिन हो गए। असी पुलिस प्रशासन को 15 तरीक 16 तरीक
ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ DSP ਸਾਹਮਣੇ DCP ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ 'ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਲਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਕੰਨ ਤਾਂ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਭਾਗਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ 4.5 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ST ਐਕਟ ਦਾ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ MLA ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ACP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਤਵੇਂ ਜੇ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕਭੀ ਨਾ ਡਰੂ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਝੂਠੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ, ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ 2-3 MLA ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਅਨਰੈਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਨਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਖਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨੇ।